जल्दी करो। हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, इसने भी पूजा कर लिया, मैंने भी कर लिया। अब जा रहे हैं हम दिव्यम के पसंद का उसके लिए स्पेशल थाली बनाने हैं, ठीक है। उसका मन है कुछ स्पेशल खाने के ना बेटू, तो हम इसके लिए कुछ स्पेशल थाली बनाएंगे, डिशेज बनाएंगे प्यारे प्यारे से, स्वीट स्वीट से, तो आप सबके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहना कि मेरा बेटू क्या खा रहा है। हाय करो, बोलो हाय गाइस। हाँ, बनने के बाद आप सबको बताएंगे, ठीक है। आप सब भी खाना और हम भी खाएंगे। किसी कर दो, बोल मम्मा बताएगी कि क्या सब बन रहा है, ठीक है। फिलहाल हमारा छूजी का हलवा बन गया है, और क्या सब बनेगा आगे बताते हैं आपको। ओके, तो हलवा बनने के बाद अब मैं लास्ट में यहाँ पे पूरी पूड़ियाँ बना रही हूँ। बस पूरी मोस्टली बन गई है, तो चार पूड़ी बच गई है। और पूड़ी के बाद फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। स्पेशल डिश मेरे बेटे के लिए, आप भी अपने बच्चों के लिए कभी कभी कुछ अच्छा सा बनाया करिए जो उनको पसंद आए। देख सकते हो पूड़ी के बाद हमने बना ली है आलू बैंगन की सूखी सब्जी, बड़ी प्यारी और टेस्टी से बनी है। आपको इसको बता देती हूँ, इसमें सबसे ज़रूरी मैंने लहसुन और प्याज डाला है, और लाल मिर्ची, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। बैंगन में आप जितना लहसुन डालोगे ना और प्याज डालोगे उतना ही टेस्ट और अच्छे से आता है। मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई है क्योंकि मेरा खाना सिर्फ दो लोगों का है, तो रस वाले में बनाई है मैंने, पूड़ी में भी सूखी रखी है। और अब मैं आपको थाली सर्व करके दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या थाली में रखी। अब मेरी थाली यहाँ पे तैयार है। मेरे पति देर के लेट हो रहा है, टाइम हो चुका है, तब मैं उनके लिए खाना निकालूंगी। मेरा बेटू भी साथ में खा लेगा, बट उसने पहले ही खा लिया था, बस उसने उसकी तबीयत ठीक नहीं था, उसने उल्टी कर दी। तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्जी निकाल ली है, दही निकाल लिया है कि दही ठंडा होता है, और ऑयली वाला खाना मेरे घर में ना मेरे पति को ना मुझे पसता है। तो मैं थोड़ी दही भी रखी है, दही चीनी, जिससे पेट को ठंडक दे और गैस ना बने। और थोड़ा सा हलवा रख दिया है, और मैंने थोड़ा मिर्ची के पकौड़े भी बनाए थे, और पकौड़े नहीं बनाए क्योंकि उसे बताया मैंने कि मुझे और मेरे पति को प्रॉब्लम हो जाती है ऑयली खाने से। तो मैंने अब ये मिर्ची के पकौड़े के बाद रख दिए पूरी। और आपको ये स्पेशल डिश कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप सभी घर पे बनाओ, इन्जॉय करो। कल इसने कहीं देख लिया था तो उसको खाने का मन था, तो हमने पूरी कर दी।